हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। और यहाँ हम लोग का जर्नी शुरू होता है गीतांजलि एक्सप्रेस के साथ में गंगा सागर के लिए। तो हम लोग अभी चलेंगे कलकत्ता, और कलकत्ता से चलेंगे फिर गंगा सागर, है ना। तो इस जर्नी में आप लोग भी बने रहिए, नया साल और नया जर्नी और नया शुरुआत, है ना। तो चलिए बने रहिए आप लोग भी ब्लॉग में। तो आ गई फिलहाल हमारी ट्रेन, तो आ गई यहाँ पे गीतांजलि एक्सप्रेस M2। तो अभी हम चलेंगे कोलकाता और वहीं से असली जर्नी शुरू होगी। और आज है 14th of January, जबकि हम लोग स्टेशन में देखिए कलकत्ता का यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, ये देखिए बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा था स्टेशन का, बहुत ही भीड़ चल रहा था, है ना। और यहाँ पे हावड़ा ब्रिज पार करते हुए हम लोग अपने घर के तरफ पहुँच गए थे। और मेरा यहाँ पे घर के हम लोग का अपार्टमेंट में ना, वहाँ पे जहाँ मेरा भाई रहता है वहाँ पे लोहड़ी का यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। तो रात में हम लोग लोहड़ी भी एंजॉय किए, क्योंकि 14 तारीख था और 15 को मकर संक्रांति था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मस्त यहाँ पे देखिए स्नैक्स वगैरह भी बहुत सारा खाए, वहाँ पे पार्टी वगैरह हुआ, ये बहुत सारा एंजॉय, डांस नाच पार्टी बहुत कुछ हुआ, है ना। और यहाँ पे मटरू भी देख करके सबको यहाँ पे डांस करने लगा था, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे रात हम लोग बिताए। और रात के बाद में हम लोग निकल पड़े, सुबह सुबह निकल गए यहाँ पे सियालदा। तो पूरे अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे, और सुबह का नज़ारा यहाँ कुछ ऐसा था सियालदा में ना, काफ़ी ही भीड़ चल रहा था। और सियालदा से ही कलकत्ता से सियालदा, और सियालदा से ही यहाँ पे असली जर्नी शुरू होती है। और ये देखिए 4:54 हो रहा है, हम लोग काउंटर पर यहाँ आ गए थे। और यहाँ पे से लोकल ट्रेन में हम लोग जाएंगे, तो लोकल ट्रेन यहाँ से सबसे अच्छा होता है, सुविधाजनक होता है, बस से भी अच्छा होता है, आरामदायक, है ना। तो हम लोग लोकल ट्रेन यहाँ पे पकड़ लिए थे। और मैं देखिए यहाँ पे एलियन की तरफ बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ही ठंड था, पूरा ढक के खुद को बैठ गई थी। और लोकल ट्रेन का मैं नज़ारा दिखाती हूँ, बैक कैमरा से आप देख सकते हो ऐसा ही था कुछ। और काफ़ी भीड़ आगे चल के बढ़ गया था, और यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे 2-2.5 घंटा का रास्ता तय करते हुए काकड़द्वीप। और यहाँ काकड़द्वीप से यहाँ पे से फिर जर्नी शुरू होगा, हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऑटो से, और ऑटो के से जाने के बाद में यहाँ फेरी तक पहुँचने के लिए ये रास्ता हम लोग को तय करना पड़ेगा, जो कि कुछ दूर हम लोग को पैदल भी चलना पड़ेगा, है ना। तो चलेंगे, उसके बाद हम लोग फेरी से चलेंगे। तो पैदल हम लोग जा रहे थे, रास्ता देख करके लग नहीं रहा था कि आज हम लोग पहुंचेंगे, है ना, क्योंकि 15 तारीख को आज के दिन ही हम लोग का यहाँ पे स्नान था, है ना, मकर संक्रांति का। लेकिन फाइनली हम लोग को यहाँ पे शॉर्टकट मिल गया, और हम लोग यहाँ से निकल चले, और यहाँ पे फेरी वाला जो यहाँ पे मेन जो ये गेट है ना, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। और ये वाला है मेन गेट, तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग गेट नंबर 4 में आ गए थे। और यहाँ पर हम लोग को बहुत ही आराम से हम लोग को मिल गया जगह, और फेरी के लिए हम लोग यहाँ पर सब कोई खड़े होकर के ना इंतज़ार करने लगे थे। फेरी यानी कि फेरी ही यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सीप होता है ना उसको फेरी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ही ये भीड़ था, क्योंकि यहाँ पे एक बार में ना मतलब 1000-1500 लोगों को लेकर के एक फेरी में जाया करते थे, है ना, सीप में। तो बहुत बड़ी बड़ी सीप यहाँ की हुआ करती है। और फाइनली हम लोग को अभी वहाँ पे हम लोग जाने के लिए निकल गए, और हम लोग वहाँ पे अभी फेरी के अंदर हम लोग यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, है ना। और देख करके तो काफ़ी ही डर लग रहा था, लेकिन अंदर जाने के बाद बिल्कुल भी डर नहीं लगा, है ना। सबको यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, और हम लोगों को तो जगह नहीं मिला भैया, हम लोग बहुत खड़े खड़े पूरा वहाँ चले गए। लेकिन बड़ा ही एंजॉय किया, बड़ा ही अच्छा लगा, जैसे देख करके डर लग रहा था ना बिल्कुल भी नहीं लगा। देखिए सामने से एक जा रही थी, कितना ही अच्छा लग रहा था, है ना। और हम लोग यहाँ पे देखिए अपना पोजीशन लेके सब कोई खड़े हो गए थे, और बहुत काफ़ी भीड़ था। और सामने से जो ये वाली सीप जा रही थी ना, आप देख सकते हो क्या ही मस्त था। और इसका मतलब सबसे खास बात क्या थी पता है, पीछे में आप देखो हैंडपम्प लगा हुआ है ना, तो वहाँ पानी के लिए शायद वैसा कुछ लगा हुआ है। और हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे, हम लोग को जगह भी बहुत अच्छे से मिल गया था। और यहाँ जैसे ही बीच में हम लोग पहुँचे ना, इतने सारे पक्षी यहाँ पर आ करके, और मछलियाँ है ना, तो सब कोई दाना डालते हुए जाते हैं यहाँ पर। और दाना डालिएगा ना तो और भी ज़्यादा पंछी आपके पूरा आसपास में पूरा मंडराने लगते, काफ़ी ही सुंदर नज़ारा था इसका। और इसमें कम से कम ना फेरी से पार करने, एक बोट से पार करने में ना कम से कम यहाँ से 40 से 45 मिनट लग जाता। और यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए थे, हम लोग से पहले जो एक फेरी आया हुआ था उसमें से सब कोई खाली हो रहा था, उसके बाद में हम लोग का भी यहाँ पर खाली हो जाएगा। और देखिए सेफ्टी के लिए यहाँ पर भी सब कुछ यहाँ व्यवस्था था, है ना। तो हम लोग फाइनली ना फिर वहाँ से उतर गए थे, और उतर करके हम लोग यहाँ जा रहे थे। और ना यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ही अच्छा, मतलब ना यात्री का वेलकम के लिए इतना अच्छा यहाँ सजाया गया था। हर साल गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, उसे भी हम देखेंगे। फाइनली हम लोग अभी सीट से यहाँ उतर गए हैं, और चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से हम लोग को बस में जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, जैसे जा रही है डिटेल के साथ बताते जा रही, ताकि आगे आप लोगों को हेल्प हो जाए।
और सभी श्रद्धालु सभी यहाँ पे देखिए बस पकड़ने के लिए यहाँ पे निकल पड़े थे सब कोई, और यहाँ पे हम लोग बस स्टॉप में आ गए थे। और यहाँ बस स्टॉप से जाने में भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो यहाँ बहुत लंबा जर्नी हो जाता है ना। पूरा मॉर्निंग से निकले हुए हम लोग को अभी यहाँ पे पहुँच करके 12:30 हो गया था, और यहाँ फाइनली हम लोग बस से उतर करके और गंगा सागर वाला वहाँ पे पास में ही हम लोग पहुँच गए थे, जहाँ से फिर हम लोग को पैदल ही चलना था। और आसपास में हर जगह यहाँ पे देखिए खाने पीने का व्यवस्था लंगर वगैरह लगा हुआ था, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा था। कुछ लोग सुबह जो आए थे पहुँचे थे जो कल से आए थे एक दिन पहले से, वो लोग नहा करके निकल रहे हैं ना। और आसपास देखिए श्रद्धालुओं को रहने के लिए यहाँ पे बहुत सारा वो जो नारियल का पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उससे हम यहाँ पे बहुत सारा शेड जैसा बनाया गया है वहाँ पे रहने के लिए, है ना। और फाइनली हम लोग यहाँ के पे गंगा तट पे आ गए थे, है ना, जहाँ पे गंगा जी सागर में जाकर के मिली हुई है वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, और फाइनली हम लोग अपने एक जगह यहाँ अपना सामान रख दिए थे, और हम लोग सोचे उसके बाद में हम लोग वहाँ पे चलेंगे, हम लोग भी आस्था का और श्रद्धा और आस्था का डुबकी लगा लेंगे, है ना। और यहाँ देखिए ये गैया बछिया सब लेकर के सब कोई घूमते, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद स्नान करने के बाद पूजा किया जाता है, वो भी आगे मैं दिखाऊंगी, है ना। और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए थे, और यहाँ पे आकर के इतना ही अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से गंगा जी को माना जाता है, जो कि गंगोत्री से निकल करके पश्चिम बंगाल के में आकर के सागर में मिल जाती है ना, जहाँ गंगा सागर का मिलन होता है ना, तो यहाँ पे इसीलिए इसको गंगा सागर कहा जाता है। और गंगा सागर में यहाँ पे कहा जाता है ना कि लाखों हजारों श्रद्धालु हर साल आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है ना मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, हर धाम बार बार और गंगा सागर एक बार, इसलिए संक्रांति के समय सभी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे गंगा में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं ना। इसीलिए कहा जाता है हर धाम हम लोग बहुत बार कर सकते हैं, लेकिन गंगा सागर एक बार, क्योंकि बहुत कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ पे पहुँचने के लिए आजकल तो बहुत साधन हो गया, लेकिन पहले इतना सारा सब कुछ नहीं था, इसीलिए पहले के लोग बोलते थे हर धाम बार बार गंगा सागर एक बार, है ना। लेकिन आजकल बहुत व्यवस्था हो गया है, आप बहुत बार भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा जाता है राजा सागर के 60,000 पुत्रों को इसी गंगा सागर में स्नान करके मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसलिए मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान करना बहुत ही मतलब पवित्र माना जाता है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। लेकिन यहाँ पे 12 महीना आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है कि ये चारों तरफ आइलैंड टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखेगा, और कहाँ पे गंगा जी का मेल कहाँ पे सागर का हुआ है वो कभी दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे गंगा सागर यहाँ मेल हुआ है ऐसा माना जाता है ना। तो यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी मतलब कि व्याकुल होते हैं। और देखिए सुबह से शाम हम लोग को तो यहाँ पे जब आए ना, तो यहाँ पे शायद 1:30 बज रहा था, और हम लोग को यहाँ पे सब कुछ पूजा पाठ करके हम लोग को यहाँ निकलना था, है ना। और जा करके ये मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है बहुत अच्छा सा है, कपिल मुनि जी का, तो वहाँ पे भी हम लोग को जाना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पूजा उजा की। और कहा जाता है गंगा में स्नान करने के बाद ना यहाँ पे गो माता का पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है ना, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि नारायण का रूप माना जाता है, कपिल मुनि ऋषि ही ना नारायण के रूप में यहाँ पे आकर के गंगा सागर में ये किए थे, तब किए थे, तो इसीलिए यहाँ पे ना मान्यता है आप यहाँ पे गंगा सागर में डुबकी लगाए और यहाँ पे गो माता का पूजा ना करें तो कहा जाता है पूजा सफल नहीं होता, तो वो करना बहुत जरूरी होता है। फिर हम लोग वहाँ पे पूजा उजा कर करके और यहाँ पे हम लोग मंदिर के सामने में आ गए थे, तो यहाँ पर भी बहुत लंबा भीड़ लगा हुआ था, लग रहा था कि पता नहीं आज होगा मॉर्निंग हो जाएगा, लेकिन हम लोग फाइनली वहाँ पर भी हर लग नहीं रहा था, लेकिन हर रास्ता पूरा आसान होते जा रहा था, और हम लोग फाइनली वहाँ पे देखिए मंदिर के सामने में पहुँच गए थे। और ये कपिल मुनि का ये मंदिर था, है ना, यहाँ पे 3 मूर्तियाँ रखी गई हुई है, यहाँ पे गंगा जी का और सागर महाराज का और कपिल मुनि का। कपिल मुनि का यहाँ पे नारायण का रूप माना गया है, उसी के नाम से पूजा पे किया जाता है ना। और ये मंदिर में देखिए आप यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, बहुत काफी भीड़ लगा हुआ था, और इसी कपिल मुनि का ना यहाँ पे बहुत मान्यता है, उनका दर्शन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो गंगा सागर में नहा करके आप लोग इस मंदिर में जरूर आए, और ये मंदिर में काफी ही भीड़ था, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छे से मतलब बहुत सिस्टम से सब लाइन लगा करके जा रहे थे, हम लोग यहाँ पे पूजा उजा का सामान खरीद लिए थे और वहाँ पे हम लोग लाइन में हम लोग भी लग गए थे, ताकि हम लोग को भी यहाँ पे दर्शन हो जाए, है ना। तो मंदिर में एक एक करके सभी कोई जा रहे थे, बहुत सारे बहुत जगह के यहाँ पे ऋषि मुनि और साधु वगैरह भी आए थे, है ना, बहुत लोग बनारस से, कोई कहीं से, काशी से, हर जगह से आए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनली यहाँ पे टेंपल के पास में पहुँच गए थे, और यहाँ पंडित जी हमारा पूजा कर रहे थे, और काफ़ी भीड़ होने के कारण ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाई थी, है ना। मंदिर के अंदर जाना किसी को आज के दिन नहीं छोड़ा जा रहा था, क्योंकि काफ़ी भीड़ था, इसीलिए बाहर से ही सब कोई दर्शन कर रहे थे, और ये पंडित जी पूजा कर करके यहाँ पे दे रहे थे, है ना।
तो फाइनली यहाँ पे चार, शाम का 4 बज गया था हम लोग का पूजा होते होते, और यहाँ से पूजा करके हम लोग यहाँ पे निकले। और हम लोग अभी मतलब सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाए थे, तो हम लोग सोचे अब पूजा तो हो गया, चलते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं। और रास्ता में जाते समय बहुत सारे पंडित ऐसे बैठे हुए थे, है ना, पूजा वगैरह कर रहे थे। तो हम लोग फाइनली वहाँ से निकल करके और सीधा पहुँच गए यहाँ पे कुछ खाने पीने का क्या व्यवस्था है वो देखने के लिए। तो हम लोग खाना उना यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन था तो दही चूड़ा तो बनता ही है, तो मैं तो दही चूड़ा खाई, बाकी बाहर का कुछ खाई नहीं, क्योंकि मैं अपना इंतजाम लेकर के चलती हूँ। तो मैं वहाँ पे दही चूड़ा का आज नाक के दिन ना खाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम लोग को वहाँ से निकल करके ना यहाँ पे रहने की भी बहुत सारा व्यवस्था की गई थी, मैं दिखाई थी आपको, और ये एक छोटा सा कुटिया हम लोग को भी मिला। और इसमें हमारे साथ में ना और भी एक फैमिली मिल गए थे जो कि बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग के साथ ही मतलब ट्रेन में ही मिल गए थे, हम लोग साथ में ही एक साथ यहाँ पे सब कोई रात व्यतीत किए। मैं बाहर से दिखाती, ये कुछ ऐसा दिखता झोपड़ी टाइप का था, है ना, तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा से हम लोग रात गुजर गया। और ये आंटी और ये उनकी बेटी है, और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके, एक अपनापन लगा है ना यहाँ पे आके, मतलब कि क्या ही बोलूँ, एक रिश्ता सा बन गया है ना, और इतना अच्छा लगा इनसे मिलके। और इनका बेटा ये वाला है, तो हम लोग सबको एक साथ में यहाँ से निकले। और यहाँ बहुत सारे ग्रुप आए थे, और यहाँ हम लोग बस पकड़ने के लिए आ गए थे, है ना। हम लोग नेक्स्ट डे आए थे, ये 16 तारीख को हम लोग रात में, 15 को रात में वहाँ रह गए थे, 16 को हम लोग वहाँ से निकले। और ये देखिए फेरी पकड़ने के लिए फिर ये भीड़ लगा हुआ है, तो फेरी में सब कोई जाएंगे करके ना इतना ही भीड़, और मतलब खाली शरीर चलना मुश्किल था। और सबको ना इतना मैंने लगेज लेकर के आए हुए थे जो दूर दूर से आए थे, ठंडा का दिन था, कंबल वगैरह सब कुछ अपना व्यवस्था लेकर के आए थे, खाने पीने का सामान लेकर के आए थे। और आज से भी वापस जा रहे थे तो यहाँ काफी ही भीड़ था, लेकिन इस पल को भी, इस भीड़ को भी देखिए, सबको अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे थे, अपने यादों में कैप्चर कर रहे थे, इतना भीड़ होने के बावजूद भी, पर कोई किसी के चेहरे पे एक भी शिकन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सभी यहाँ बहुत ही खुश थे। और इस यात्रा के दौरान मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई एक्सपीरियंस करने को मिली, है ना, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। कहा जाता है हर धाम बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार, तो ये धाम हमारा बहुत ही अच्छा रहा ये यात्रा। तो पूरे यात्रा में आप सब मेरे साथ रहे, और तो इस यात्रा में हमारे साथ, और हम लोग इस यात्रा को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपको कैसा लगा गंगा सागर आपको? बहुत अच्छा लगा। और ये एक आंटी भी जो कि बहुत ही प्यार दिया, हम लोग हमेशा मिलेंगे, है ना, ये भी बहुत अच्छी है। सब्सक्राइब करेगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, है ना। तो सबके कहने पे ऐसे नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहते हैं ना, चलते चलते रास्ता में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि मतलब अपना से भी ज्यादा अपनेपन लगने लगता है ना, और इनके साथ ये यात्रा कैसे हम लोग का कट गया पता ही नहीं चला। तो गाइस आज का इस यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गंगा सागर की जय।